शिव शंभु ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभु ओम शं ओम शं ओम शं। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल ब्लॉग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को लेकर आया हूँ हरिद्वार में जो स्वामी विवेकानंद पार्क है, उसी पार्क में। इस पार्क में दो मंदिर भी है, एक भोलेनाथ का मंदिर है तो दूसरा काली मंदिर है। ये सामने भोलेनाथ देख पा रहे हैं, और बाकी काली मंदिर उसी के जस्ट राइट साइड में काली मंदिर होगा। बाकी यहाँ पे एक स्टैचू है स्वामी विवेकानंद जी का, के नाम पे इस पार्क का नाम पड़ा है, तो उनका स्टैचू भी कुछ इस तरह का होगा। तो गाइस, बात करें इस पार्क तक पहुँचे कैसे। अगर आप हर की पौड़ी से इस पार्क तक पहुँचना चाहते हैं तो हर की पौड़ी से ये पार्क मात्र 200 से 300 मीटर होगा, आप आराम से चलकर जा सकते हैं। अगर आप हर की पौड़ी से इस पार्क तक किसी वाहन से आना चाहते हैं तो आपको काफ़ी घूमकर आना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पैदल ही आए, आपको 200 से 300 मीटर ही चलना पड़ेगा। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से ये पार्क 2.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। आप वहाँ से ई रिक्शा या फिर ऑटो करके इजिली यहाँ तक पहुँच सकते हैं। मेनली ये पार्क भोलेनाथ के 108 फीट स्टैचू के लिए ज़्यादा फेमस है। ये स्टैचू हर की पौड़ी के हर एक कोने से दिखता है, ज्यादातर लोग यहाँ पे सेल्फी लेने आते हैं। ये पार्क पंतदीप पार्किंग के बिल्कुल नजदीक है। अगर आप ऋषिकेश या फिर देहरादून से हर की पौड़ी आते हैं तो ये पार्क आपको रास्ते में दिख जाएगा। बात करें ये पार्क कितने बजे खुलता है और कितने बजे बंद होता है, तो गाइस ये पार्क सुबह 5 बजे खुल जाता है और रात के 10 बजे तक ये पार्क खुला रहता है। बात करें ये पार्क हफ्ते के किस दिन बंद रहता है, तो गाइस ये पार्क हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है, कभी बंद नहीं होता है। बात करें इस पार्क को घूमने में कितना टाइम लगेगा, तो गाइस इस पार्क को घूमने के लिए आधे घंटे का समय मोर देन इनफ रहेगा। अब आप पार्क के कुछ व्यूज एंजॉय करिए। तो गाइस होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह के ट्रैवल एंड टूरिस्ट रिलेटेड वीडियोस मैं लेकर आता रहता हूँ। तो थैंक्स, बाय।